नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कहते हैं हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं इस बारे में जरा विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है बुजुर्गों का अपमान करने वाले। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में तो मिलती ही है, वहीं मरने के बाद उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें नीचा दिखाते हैं, ऐसे पापियों को नरक की आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए। दोस्तों, आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है, निर्दोषों की हत्या करने वाले। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष लोगों को मार डालते हैं, उनको भी नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो लोग निर्दोष लोगों को मारते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों पर बड़े बड़े कहाड़ों में गरम तेल डालकर तला जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की ज़रूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसों का उपभोग कर सकें। ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। दोस्तों, आगे बताया गया है, गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाले की सजा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है। गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नज़र डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उससे पीटा जाता है। और दोस्तों, अंत में बताया गया है दुष्कर्म करने वालों की सजा। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हैं या उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है।
नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वे घुट घुट के बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।